हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे अच्छे ही होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आपको स्कूटर के बारे में, तो आज मैं दिखाऊंगा। आज मेरे पापा क्या कहते हैं, मोमोज बना रहे हैं, तो आप इसे देखना ना भूले। देसी मोमोज देख सकते हैं, यहाँ पे अभी काट रहे हैं। तो टैडी बताओ कैसे बनाते हैं मोमोज? बना रहे हैं। तो पहले पहले बंदे गोभी को अच्छे से पहले बंदा गोभी को इसमें कतर के, फिर प्याज को भी कतर के रख लेना है। उसके बाद और आगे मैदा और आगे हम दिखाएंगे। उसके बाद तब तक आप इन्हें देख लीजिए। किट्टो रानी को बहुत अच्छी किट्टो, ये किट्टो, ये किट्टो रानी इसका नाम है। किट्टो रानी कैसी हो? बंद कर दो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, हम लोग का ये है बंधा गोभी, ये है प्याज थोड़ा कटा हुआ, ये भी है अदरक, ये मिर्ची भी। तो आप लोग देख सकते हैं, अब हम लोग जा रहे हैं इन सबको मिलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे की वीडियो में चलते हैं। उसके बाद काला नमक डाल दीजिए। ये देखिए, तो बाजार में आप लोग को काला नमक जरूर मिलेगा। उनके बाद देख लीजिए कितना डालना है हमें, करीबन इतना हमें डाल देना है। ये देखिए, इससे मोमो बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए, दो चम्मच डाल चुका है और चम्मच, एक चम्मच हम लोग बंदा गोभी में भी डाल देंगे। अब की करते बात, और एक चम्मच हम लोग प्याज व्याज बंदा गोभी अदरक वदरक सारी चीज गर्म पानी से डैडी गूंदेंगे इसको। तो हम गूंदेंगे कॉटन से, फिर एक चम्मच इसमें थोड़ा सा डाल दे और थोड़ा सा इसमें डाल दे, हम गूंदेंगे रे। ये देखिए, अब इसे हमें सान देना है। ये देखिए, हमें इसे गूंद लेना है। ये देखिए देखिए कैसे पनीर ज्यादा रह गया, ऐसे 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 करके गूने। फिर ये जो हमारे बंदा गोभी है उन्हें भी हम लोग मिला देंगे। फिर हमें मोमोज को सान के उसमें वो पूरा भर लेना है, ये भी थोड़ा सा भर लेना है, उससे पका लेना है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। तो ये पनीर और चिकन का ये भी कैसा है, पनीर हो चुका है पूरा चूर चूर। आप लोग देख सकते गर्म पानी से गूंद लीजिए। किसको? मैदा? हाँ, थोड़ा गूंदने की जरूरत नहीं, हम गूंद लेंगे। अलग अलग मिलेगी, बंदा कोई थोड़ी मिलेगा हमें ना। और की बनेगी तो यो करे खाती बने लिए काट लिए। हां देखा छी, देखिए पनीर ढेरी भाग ले, मैदा बसते ना तो ई डाल दे, नहीं बसते तो राख दे, दूसरे दिन बना लेबो। ये देखो, हम लोग इन्हें भी मिला देंगे। ये देखिए दादी, खाओगे इस बार? खाओगे वो लाल चटनी के साथ? चटनी कौन? तो ये देखें, हम लोगों ने सान लिया। चम्मच रखना होगा इसमें, अंदर रख। अब दोनों को उठा के ले जाएंगे हम लोग किचन में, रख देंगे अब दोनों को। अब बारी आई है मैदे की। तो मैदे को गर्म पानी, गर्म गर्म को ही गर्म से सानी, गर्म को ही गर्म से सानी। थोड़ा ज्यादा मीडियम ही गर्म करना है। देखिए थोड़ा सा ज्यादा गर्म करना है, मीडियम ही गर्म करना होगा आपको, वरना आपका ये मैदा जो है ना खराब हो जाए, इसलिए आप लोग मीडियम। देखिए पानी मीडियम नहीं, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। और ये दादी से मिलिए, दादी आप मोमोज खाएंगी? हाँ खाएंगे भी, मोमोज खाने में मजा आता है। अगले बार कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा।
आंटी जी इस बार आप मोमोज खाएंगी? बोले क्या हूँ मीठा सुधा। वो आंटी अभी बात कर रही है। भाई जी आप मोमोज खाएंगे? हाँ भाई खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। अगले बार का कैसा लगा? तो हम क्यों नहीं खाएंगे बताइए। अगले बार कैसा लगा था? बहुत टेस्टी लगा था भाई, मुझे और खाने का मन कर रहा था लेकिन क्या, इसीलिए अगले बार कम ही था, इसीलिए हम लोग फिर से बना रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सान लिया और ये अब छोटा छोटा इसको गोल बना दिया। अब इसे बेलना है। देखिए आप देखिए, वाओ क्या शॉट मारा। तो पहले आप बना ये देखिए, यहाँ मारा और यहाँ आके सीधे आ गया। और आप लोग को मैं मोड़ना सिखाऊंगी। सबसे पहले इसमें ये लगा दे सर चारों तरफ, फिर ऐसे देखिए ऐसे, हाँ इसे थोड़ा सा ऐसे मोड़ के इसमें सटा दीजिए। ये देखिए हाँ। और ये खास है मारे मोमोज, क्या मस्त मोमोज मम्मी ने क्या मस्त मस्त फेंका है। और ये देखिए इस पे आप लोगों को फिर से दिखा देते हैं, इस पे ऐसे ही गोल गोल से ये लगा दीजिए। ये पनीर का गुना हुआ इसमें डाल देना है। अब जैसे अभी हम लोगों ने मोड़ना सीखा वैसे ही मोड़ना है। और ये हम मेला भी सिखा देते हैं, इसे रख के धीरे धीरे ऐसे ऐसे बेलना है और इसे घुमाना है तो ये गोल गोल बन जाएगा। नहीं आप थे कि टैबलेट खाएंगे। वाओ क्या मस्त मम्मी ने फेंका। ये देखे दोस्तों कितने दूर था, कितना ये चकला और ये वहाँ पे कोनिया, तो देखे कितना दूर था। ये अब हो गया है, ये वहाँ और वहाँ देखिए। और हमें इसको किसमें पकाना है? ये है राइस कुकर, आप लोग देख सकते हैं स्टीम कर रहे हैं अभी से, इससे ना टेस्ट बढ़ता है और जल्दी हो जाता है। ये देखिए चारों तरफ से देख सकते हैं, इसको दबा के बटन को ऐसे करके खोलिएगा तो खुल जाएगा, फिर ऐसे करके ही रख के इस बार इसे दबा दीजिएगा तो बंद हो जाएगा। और चालू कैसे होता है ये तो मैं भी नहीं जानती। कहाँ से चालू होता है कुकिंग का? अब जो ये उसमें उसके अंदर पक रहा है, बोलो। यहाँ से चालू होता है, यहाँ से कुकिंग का यहाँ से चालू होता है, उसके अंदर पक रहा है, बड़ा है, स्टीम हो रहा है। देखिए अभी जब बनेगा तब दिखाएंगे आपको, बनेगा तो हम लोग दिखाएंगे और कैसा लगता है वो भी दिखाएंगे और सारे परिवार को कैसा लगा वो भी बताएंगे। हेलो गाइस, तो अब ये बन चुका है, देखिए अब हम इसे निकालेंगे और टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कैसा लगेगा। देखिए सबसे पहले पलक खोलना चाहिए नहीं तो हमें करेंट लग सकता है। ये देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे निकालेंगे, ये देखिए क्योंकि निकालने के लिए कोई आदमी चाहिए ना। ये देखिए कितना धुआं दे रहा है दोस्तों, देखिए अंदर पानी दिया है जिससे पानी खोलेगा तो ये मुलायम सा हो जाएगा, स्टीम होगा ना, इसीलिए ये देखिए, ये देखिए उठाया जा रहा है अभी। एक और खाली रख के आना वहाँ, ये देखिए निकल गया है ये, इन्हें अब मैंने बंद कर दिया। आ जाओ चलिए दोस्तों,
देखो ना गल जाएगा। प्लेट लगे, प्लेट लगे, प्लेट गरम हो कैसे पकड़ा है प्लेट लगे। ये देखिए दोस्तों कितना गलगल कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना पुछ पुछ सा हो चुका है। मैं भी ऐसे खोल के दिखाऊं, खोल के गल गल कहां गल रहे, तो देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर है, देखिए। तो आप लोग ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, कल खाइएगा। ये देखिए देखिए दोस्तों, अब इसका चटनी भी बन रहा है। ये देखिए डैडी, इसका चटनी कैसे बनता है बता दीजिए। टमाटर, अदरक, मिर्ची, लहसुन, नमक, सारा चीज को डाल के इसे पीस देंगे तो चटनी हो जाएगा एकदम मस्त रेडी। देखिए इसमें पीसना है ताकि अच्छे से और छह से पीस आ जाए। देखिए ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बताएंगे हम। अब देख लीजिए सब मोमोज खाने वाले हैं। सबसे मैं पूछूंगी कि कैसा लग रहा है सबको। देखिए कट हुआ था, तीन सबने ले लिया है, उस खाने की दे दी है और तो खाइए लिया है। आप लोग को खा के देखिए कितना मस्त है। देखिए सुबह चटनी लगा के ये देखिए डैडी कैसा है, देख सकते हैं। देखिए दादी से भी हम लोग पूछेंगे, दादी आपको कैसा लग रहा है खाने में। बहुत अच्छा। चलिए अब आंटी से पूछते हैं, आंटी आपने खाया आपने खाया? हाँ खाया, बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, सबको बहुत अच्छा लगा मोमोज। अब हम लोग अगली वीडियो में लेंगे और किट्टो को देख लीजिए। बाय।